एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एक हेयर पैक के बारे में। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो है वो पर्सनल मेरी रेमेडीज है। ये पैक मैंने ट्राई किया है, टेस्ट किया है, मेरे लिए वर्क करा, इसलिए मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहली चीज़ ये आपके हेयर को सॉफ्ट बनाएगा, स्मूथ बनाएगा, शाइन प्रोवाइड करेगा, फ्रिज कम करेगा, हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। डेफिनेटली स्मूथ, शाइनी और फ्रिज फ्री हेयर आपको पहले ही वॉश में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आपके हेयर्स को बहुत अच्छे से नरिश करेगा। जितनी भी रिक्वायरमेंट है नरिशमेंट की वो आपके हेयर्स को इस पैक को यूज़ करने के बाद मिल जाएगी। अगर आपकी हेयर बहुत ज़्यादा इचीनेस फील कर रही है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है या फिर डैंड्रफ हो चुका है, उसको भी क्योर करने में ये हेल्प करेगा। कोई भी फंगस प्रॉब्लम हो गई है तो उसको भी ठीक करने में ये आपकी हेल्प करेगा। ओके, और इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज़ मैंने करे हैं वो बिल्कुल ही नेचुरल हैं, इजीली अवेलेबल भी हैं। बहुत सारे इंग्रेडिएंट आपको आपके घर में मिल जाएंगे। सो जो पैक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ऑल इन वन पैक है, हर हेयर प्रॉब्लम को ठीक करने में आपकी हेल्प करेगा। ओके, वो डेमो कैसे बनाना है और मैंने अप्लाई किया और रिजल्ट सब इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। इस हेयर पैक के लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए। पहला चाहिए ब्रिंगराज पाउडर, सेकेंड आपको चाहिए योगर्ट दही, ओके, और तीसरा आपको चाहिए मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल। क्या करना है, 2 चम्मच ब्रिंगराज का पाउडर लेना है एक बाउल के अंदर, 2 से 3 चम्मच अपने हेयर के अकॉर्डिंग। मैंने 3 चम्मच लिया है, आप 2 भी ले सकते हैं अपने हेयर्स के अकॉर्डिंग। इसमें वाटर मिक्स नहीं करना है, इसलिए दही आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी। आप इसमें पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, आप यूज़ करेंगे दही। पहले थोड़ा थोड़ा डालें, अगर ज़रूरत पड़े तभी एक्स्ट्रा डालें। तो आपको 2 चम्मच पाउडर, 3 चम्मच दही, 2 चम्मच लेना है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। इसके बाद इसको 5 मिनट तक रेस्ट करने दें और 5 मिनट बाद अपने हेयर्स पर अप्लाई करें, और अप्लाई करने के आधे घंटे या 45 मिनट्स तक अपने हेयर्स पर लगा के रखें, के बाद इसे वॉश कर लें। अपने वॉश हेयर के ऊपर ही इसको लगाना है। ऑयल करे हुए बालों के ऊपर भी आप इसे लगा सकते हैं, बट उतना अच्छा इफेक्ट नहीं मिलेगा, नरिशमेंट अंदर तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि ऑयल की ऑलरेडी जो लेयर होगी वो आपके स्कैल्प के ऊपर होगी, तो वो इस पैक के न्यूट्रिएंट्स को अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करने देगी। तो इसलिए बेटर है कि इस पर ऑयल ना लगा हो तब आप इसको लगाएं, और हेयर वॉश करके लगाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और हेयर वॉश करने के बाद इसे लगाएंगे तो आपको दोबारा शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको सिर्फ इसे पानी से धो लेना है। कोई स्मेल नहीं आएगी, थोड़ी देर तक स्मेल आएगी और वो भी बिल्कुल वैनिश हो जाएगी, और आपके बाल सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएंगे। कंडीशनर लगाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। हमने यूज़ करा है भृंगराज पाउडर। सो ब्रिंगराज पाउडर आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करता है, डेंड्रफ को रिमूव करने में हेल्प करता है, हेयर को जड़ों से मजबूत करने का काम करता है और हेयर ग्रोथ देता है, ब्लैक हेयर को प्रमोट करता है, हेयर को स्मूथ, सॉफ्ट एंड शाइनी बनाता है। पर योगर्ट की दही, दही जो होता है वो एक बहुत अच्छा एंटी बैक्टीरियल है। समर चल रही है, आपके हेयर को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करेगा, नरिश करेगा, आपके हेयर्स को सॉफ्ट बनाएगा, कंडीशन करने का काम को भी करेगा। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम होगी या फिर इचीनेस की प्रॉब्लम होगी, सब इससे ठीक हो जाएगा। मस्टर्ड ऑयल बहुत ज़्यादा नरिशिंग होता है, हेयर्स को शाइन प्रोवाइड करता है, स्मूथ बनाता है, नरिशमेंट बहुत अच्छे से प्रोवाइड करेगा आपके हेयर्स को, और साथ ही साथ आपके हेयर्स को सॉफ्ट एंड सिल्की बनाएगा, फ्रिज कम करने में आपकी हेल्प करेगा। और अगर आपको मस्टर्ड ऑयल यूज़ नहीं करना है तो आप इसकी जगह कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और कैस्टर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, इसको गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों यूज़ कर सकते हैं, किसी भी स्कैल्प टाइप के हों आप, चाहे ऑयली, ड्राई, नॉर्मल,
कैसी भी स्कैल्प हो आपकी, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट नेचुरल हैं, मैंने ट्राई करा है, टेस्ट करा है। सो आप इस हेयर पैक को ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद अपने रिजल्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जो नेक्स्ट हेयर पैक होने वाला है वो भी एकदम मजेदार हेयर पैक होने वाला है। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन फॉर डेली अपडेट एंड नोटिफिकेशन।